आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला। बेसिक से एडवांस की टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इस बैच में। तो हम बात करेंगे क्लिपबोर्ड के बारे में, और चलिए मतलब कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कॉपी पेस्ट तो जनरली आप लोगों को आता है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देते हैं, लेकिन उसमें हमारा एक पेस्ट स्पेशल का जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा डेटा हम बनाते हैं। छोटा डेटा क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है। हमने प्लस वन कर दिया और नीचे तक ड्रैग कर देते हैं ताकि सीरियल नंबर हो जाए। और रैंडम डेटा लाने के लिए मैं एक रैंड बिटवीन फार्मूला हमेशा यूज करूंगा, इसे मैं पहले दिन बता देता हूँ। रैंड बिटवीन में हम यहाँ पे 10 to 90 दे देते हैं, जिसके बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर हमको दे देता है, जस्ट लाइक OTP कैसे होता है उस तरह से। हर बार चेंज होता है, मैं कहीं भी डबल क्लिक करूं, कुछ टाइप करूं, कुछ भी करूं तो अपने आप को चेंज करता है। रैंड बिटवीन लगाने का तरीका है इक्वल रैंड बिटवीन स्टार्टिंग और एंडिंग डाल दीजिए, अपने मन से जो डालना है डाल सकते हैं, सिंपल है। ये मैं बराबर यूज करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इससे मैंने आपको पहले समझा दिया। तो हमने इसमें यहां से बॉर्डर लगा दिया, यहां से मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूं, ये मेरा डेटा हो गया। अब मान लीजिए मेरा सेम डेटा इसी सीट पे या किसी और सीट पे या किसी और फाइल पे पेस्ट करना है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, हम उसको सिलेक्ट करते हैं माउस से या फिर कीबोर्ड से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी मतलब कि कॉपी करेंगे, और जहां पेस्ट करना है वहां पे सिलेक्ट करके कंट्रोल वी मतलब कि पेस्ट कर देंगे। जैसा है सेम उसी तरह से पेस्ट हो जाएगा। अब यहां पे नंबर चेंज हो गया, तो रैंड बिटवीन फार्मूला का काम है हर बार नंबर चेंज करता है, तो उसको इग्नोर कीजिए। किसी अनदर शीट पे चाहिए तो अनदर शीट पे पेस्ट कर सकते हैं, बस अनदर फाइल सिंपल पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहां पे पेस्ट स्पेशल की। जैसे मुझे कॉपी करना है और मुझे इसमें से बहुत सारे मैं कुछ चीजों को पेस्ट करना है, जैसे मान लीजिए मुझे इसमें सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करना है या सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना है या फॉर्मेटिंग पेस्ट करना है, तो कुछ ऐसी चीजें पेस्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहां हमारे सामने पेस्ट एज ए फॉर्मूला आता है। तो मैंने फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लिया एंड ओके कर दिया। अब यहां पे एक कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ देते हैं, सर नेम में इसमें कोई फॉर्मूला तो नहीं है, फिर क्यों पेस्ट किया। फॉर्मूला का मतलब हुआ कि जो यहाँ फॉर्मूला बार, इसको ऊपर जो है इसको फॉर्मूला बार कहते हैं, जो फॉर्मूला बार में विजुअल है उसको पेस्ट करेगा। अगर डेटा है तो डेटा, अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला पेस्ट करेगा विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। तो पेस्ट एज ए फॉर्मूला, मैं दोबारा बताता हूं कैसे किया मैंने। हमने कॉपी कर लिया, जहां पे जाना है वहां पे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे फॉर्मूला सिलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए, वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं फॉर्मूला रैंड बिटवीन हमेशा चेंज हो रहा है, तो मुझे यहां पे नॉर्मल जो हम टाइप करते हैं उस तरह का डेटा दिखना चाहिए, फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं चाहिए, नॉर्मल जो डेटा चाहिए वो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पेस्ट स्पेशल, और यहां वैल्यू सिलेक्ट करूंगा। फॉर्मूला के नीचे आपको यहां वैल्यू दिख रहा होगा, वैल्यू को सिलेक्ट करके ओके करूंगा, तो यहां पे देखिए सारे फॉर्मूले रिमूव हो गए, कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, मतलब कि कलर बॉर्डर ये चीजें नहीं है, और ना ही कोई फॉर्मूला है। यहां पे ऊपर फॉर्मूला वाला दिख रहा होगा, कोई फॉर्मूला नहीं है, डबल क्लिक करके देखिए कोई फॉर्मूला नहीं, नॉर्मल कॉपी पेस्ट है। तो हमने कैसे किया, हमने इसको सिलेक्ट किया और जहां पेस्ट करना था वहां पे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हमने वैल्यू सिलेक्ट कर लिया और फिर ओके कर दिया। अब क्वेश्चन आती है, तो हमने इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट किया, जैसे मेरे सामने ये डेटा है फॉर्मूला में पेस्ट किया था, हर बार ये अपने आप को चेंज कर रहा है, मुझे इसकी फॉर्मूला रिमूव करनी है, मुझे इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट नहीं करना है, मुझे इसकी फॉर्मूला रिमूव, मतलब 82 रिमूव होके 82 मैंने 82 का फॉर्मूला जो है रिमूव होके नॉर्मल टाइपिंग जो होता है 82 ए हो जाए। तो इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, जो डेटा है हमारा कॉपी करूंगा और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए वैल्यू कर दूंगा, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए वैल्यू, वो हमारा फॉर्मूला रिमूव कर देगा। देखिए
सारा फॉर्मूला रिमूव हो गया, अभी मेरा चेंज नहीं हो रहा है। पेस्ट एज ए वैल्यू का यूज हम ऑफिशियल लाइफ में बहुत करते हैं। एग्जाम्पल, आगे चल के जब आप रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे तो रिपोर्ट वगैरह में आप जो है बहुत सारे फॉर्मूला और चीजें यूज करेंगे। सिंपल सा एक मैंने तो कुछ काफी इसमें तो कुछ नहीं है, मैं ओपन करता हूँ दूसरा। हाँ, मान लीजिए फाइनेंशियल डैशबोर्ड हमारा सामने में खुला हुआ है, इसी की बात कर लेते हैं। अब भैया यहाँ पे मेरा यहाँ पे फाइनेंशियल डैशबोर्ड का डेटा है, डेटा है, और इस डेटा से मेरा ये रिपोर्ट जनरेट हो रहा है। ओके, और यहाँ पे देखेंगे बहुत जगहों पे बहुत लंबे लंबे फॉर्मूले भी लगे हुए हैं। अब मान लीजिए किसी ने बनाकर आपको दिया है, अब मुझे इस रिपोर्ट को मेल करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं सिर्फ रिपोर्ट मेल करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ रिपोर्ट को मेल करना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन है कि कोई एक सीट तो मेल होती नहीं है, मेल हो मेल होगा तो पूरी की पूरी फाइल होगा, फाइनेंशियल थ्री फाइल। तो सबसे पहले मुझे इस चीज को जानना होगा कि इस सीट को हम एक अलग जगह पे कैसे डालें। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक नई फाइल लेते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं, पूरी सीट को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पे है, पूरी सीट को सेलेक्ट करते हैं, फिर कॉपी करते हैं और फिर इसके ऊपर पेस्ट करते हैं। लेकिन पेस्ट करने से देख रहे हैं कि इस रिपोर्ट में और इस रिपोर्ट में काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है ना, क्योंकि इसकी अलाइनमेंट, इसका कॉलम का साइज, बहुत सारी चीज़ पेस्ट नहीं होता है। तो मैं इस प्लान को ड्रॉप कर देता हूँ कि भाई कंट्रोल सी और कंट्रोल वी नहीं करना है नई फाइल में। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि जो सीट नेम आपको दिख रहा है व्यू, या जो भी सीट नेम होता है, उस पर राइट क्लिक कीजिएगा। जैसे उस पर राइट क्लिक कीजिएगा, आपको ऊपर से आइएगा तो नीचे दिखेगा मूव एंड कॉपी, मतलब कि फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है मूव और कॉपी, इस मूव एंड कॉपी पे क्लिक कीजिएगा। याद इससे ध्यान रखिएगा कि यहाँ क्रिएट कॉपी पे क्लिक जरूर कीजिएगा, नहीं तो ये सीट ये फाइल मूव हो जाएगी दूसरे फाइल में, यहाँ से हट जाएगा, जो कि आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाता हूँ, क्रिएट कॉपी, और फिर मैंने यहाँ पे न्यू वर्कबुक को सिलेक्ट कर लिया, न्यू बुक सिलेक्ट कर लिया, और जैसे मैं ओके करूँगा एक नई फाइल में मेरी पूरी रिपोर्ट, देखिए एक नई फाइल जो बुक थ्री के नाम से है, एक नई फाइल के अंदर हमारी इस रिपोर्ट सेम टू सेम कॉपी हो गया। और मैं दूसरे फाइल पे जाके दिखाता हूँ कि इस फाइल में और इस फाइल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमें रिपोर्ट सिर्फ एक सीट भेजना था, क्योंकि हो सकता है कि इसके साथ जो डेटा है मैं डेटा शेयर ना करना चाहूँ, या करना भी चाहूँ तो बहुत बड़ा डेटा है, मेल पे जाएगी नहीं, बहुत बड़ी फाइल है। तो इस कारण से हमें इस सीट को यहाँ से निकालना पड़ा। अब निकालने से एक प्रॉब्लम और हो गई कि यहाँ जो फॉर्मूला है वो तो फाइनेंशियल डैशबोर्ड से ही कनेक्टेड है, अब मेरे सिस्टम पे तो वर्क कर रहा है, देखिए क्या आपके सिस्टम पे वर्क करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास ये फाइनेंशियल डैशबोर्ड का फाइल तो होगा ही नहीं। सुरेंद्र जी समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं, मेरे को एक्चुअली ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। अच्छा मैं दोबारा समझा दूं, सिंपल सवाल समझिए एक, नहीं ये मुझे लग रहा है कि मेरे को एक्चुअली ये सब सीखना, ये एक्सेल में आता है ये सब? नहीं, एक्सेल ही है। देखिए सिंपल सी बात समझ लीजिए ना, सिंपल सी बात समझ लीजिए कि आप पास एक डेटा है, समझ गए? अब इस डेटा के ऊपर आपने एक रिपोर्ट जनरेट किया, एक्सेल में तो रिपोर्ट ही बनाएंगे ना आप, जैसे कि ये आपका ईयर वाइज यहाँ दिख रहा होगा, ईयर वाइज क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट है, कितने कितने यूरो सेल्स हुए हैं, ये आपका इधर है आपका एक्चुअल, मतलब कि कितना एस्टिमेट किया गया था, कितना सेल हुआ था, और यहाँ पे बताया गया एस्टिमेट और सेल का कंपेयरिंग है, यहाँ पे ये बता रहा है कि कितना परसेंट एक्चुअल था क्वार्टर वन में क्वार्टर टू में। तो क्वार्टर में समझाया गया ताकि, क्योंकि आप एक्सेल के जरिए तो रिपोर्ट ही बनाएंगे ना, रिपोर्ट क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन मतलब कि अपने काम के हिसाब से। वैसे मान लीजिए कि अब मान लीजिए कि मुझे देखना है कि मेरा सेल जो है कंटिन्यूअस कम तो नहीं हो रहा है, आप शेयर मार्केट में देखते होंगे, शेयर मार्केट में पैसा लगाते होंगे, देखते होंगे भाई इसका मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है या कंटिन्यूअस नीचे जा रहा है, वो सब एक रिपोर्ट ही तो होता है, समझे सुरेंद्र जी? समझ गया, लेकिन जो हमारे ऑफिस में यूज होता है वो सब थोड़ा इससे काफी अलग रहता है, या तो फिर ये तो अलग होता है, लेकिन मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ ना, तो मैं नहीं, मैं समझ गया, लेकिन ये कुछ एडवांस लेवल में है, एक आप ही के कोर्स का पार्ट है, आपको भी सिखाया जाएगा।
अच्छा चलिए ठीक ठीक है। है, ये बताइए। आपका सुनिए, एक्सेल ट्रेनिंग का ये प्रोडक्टिविटी है, आप सीखने के बाद इसी तरह का काम करेंगे। मतलब कि अब ऐसा नहीं कि यही रिपोर्ट बनाएंगे, बट आप अपने ऑफिशियल से रिलेटेड रिपोर्ट बनाएंगे, इसको रिपोर्ट कहा जाता है। रिपोर्ट हर कंपनी हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बनता है, मतलब कि वाली समझ गए, कंपनी टू कंपनी अलग होती है। मेरे यहाँ पे मुझे रिपोर्ट की बात आपको मैं नहीं समझा रहा, मैं समझा रहा हूं कि आपके पास अगर एक फाइल है जहां पे कोई रिपोर्ट, किसी भी तरह की एक रिपोर्ट बनी हुई है, उसमें आपका फॉर्मूला लगा हुआ है, और फॉर्मूला आपके डेटा शीट से या किसी और डेटा शीट से कनेक्टेड है। अब वो रिपोर्ट आपको किसी को मेल करना है, तो अब प्रॉब्लम है कि आप पूरी फाइल उठा के भेज देंगे तो आपका वो पूरा डेटा देख लेगा। जैसे मान लीजिए ना कि आप, आपके जो वेंडर है, मान लीजिए कि आप एक कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, एक मान लीजिए कि ये सोचिए, सिंपल समझिए कि आप कुछ सामान रीसेलिंग करवाते हैं, तो रीसेलिंग में क्या होता है कि हर एजेंट का अलग अलग रेट होता है ना। आप किसी को बोलते हैं भाई तुम्हें सामान बेचा तो मैं 2% दे दूंगा, बोलता है नहीं मैं 2% नहीं, मुझे 2.5% दोगे तो मैं करवा दूंगा क्या। तो ऐसे डेटा के डेटा आपके डेटा है, अब उसने बोला आपको कि मेरी स्टेटमेंट दिखा दो कि मेरी कितने पैसे बन रहे हैं, तो जो बैंक के स्टेटमेंट आती है वो भी तो एक रिपोर्ट ही होता है ना। तो उस तरह के स्टेटमेंट बना के आपने उसको भेजा, तो आप सिर्फ उसको उसका स्टेटमेंट भेजोगे ना, पूरा ओवरऑल डेटा थोड़ी भेज दोगे। अगर ओवरऑल डेटा भेज दोगे तो क्रैशिस हो जाएगा, कि वो देखेगा भाई मुझे कम दे रहे हो, उसको ज्यादा क्यों दे रहे हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपल छोड़िए ना, सैलरी डेटा ही ले लीजिए। अगर आपने अपने डिपार्टमेंट के हर एम्प्लॉय का सैलरी हर एम्प्लॉय को शेयर कर दिया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैनेजर को पता चल गया कि टीम लीडर की सैलरी मुझसे ज्यादा है तो मैनेजर रिजाइन कर देगा, या टीम लीडर को पता चल गया कि एग्जीक्यूटिव जो हायर हुआ है उसका सैलरी ज्यादा है तो उसको भी एक इज्जत पड़ जाएगी, और सोचे कि मैं यार छोड़ देता हूँ, चली जाता हूँ, यहाँ तो सैलरी एग्जीक्यूटिव को ज्यादा है, टीम लीडर कम है। तो कहने का मतलब यह है कि आप डेटा शेयर नहीं करना चाहोगे, आप सिर्फ एक सीट को भेजना चाहते हो। तो मेरा पॉपुलर है कि अगर मैं सीट अगर भेजता हूं तो इसको एक अलग फाइल में लाना पड़ेगा। इस सीट को पूरे को अलग फाइल में लाने के लिए सिंपल शीट के ऊपर राइट क्लिक कीजिए एंड मूव एंड कॉपी कीजिए, और यहां से आप न्यू वर्कबुक सेलेक्ट करके जैसे ओके करेंगे ऐसे आपको एक नई फाइल में पूरी की पूरी शीट को कॉपी कर दी जाएगी। राइट क्लिक मूव एंड कॉपी, तो एक कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप आपका यही यही फाइल को करें, किसी भी तरह के फाइल की किसी सीट को हम मूव एंड कॉपी करके बाहर निकाल सकते हैं एक अलग फाइल में। अब मुझे इसको मेल करना है, तो प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको अगर मेल करूंगा तो इस फाइल वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इस फाइल पे लगा हुआ है फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कनेक्टेड है अनदर फाइल से। तो मुझे इसका हर एक फाइल का फॉर्मूला रिमूव करके इसकी अमाउंट इस तरह से लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे 9700 है, 9700 मैनुअल लिखना होगा मुझे, किसकी फॉर्मूला रिमूव करना है ताकि आपके तो वर्क करे। तो एक एक करके रिमूव करना, और या फिर कॉपी करके एक एक करके, कई सारे जगह पे इधर भी है, नीचे भी है, यहाँ भी है, तो मैं क्या करूँगा कि पूरे सीट को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से जो ट्रायंगल दिख रहा है इस पर सेलेक्ट करूँगा पूरी सीट को। अब मैं कॉपी करूँगा और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए वैल्यू कर दूंगा एंड ओके कर दूंगा। तो आप देखिए कि सीट में कहीं भी फॉर्मूला नहीं लगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था, कि यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने इसको कॉपी किया और इसी के ऊपर पेस्ट एज ए वैल्यू किया तो सारे फॉर्मूले रिमूव हो गए। तो यहाँ ये कहा गया कि रिपोर्ट में अगर छोटे कहीं कहीं पे फॉर्मूले हैं तो आप पूरी रिपोर्ट को सेलेक्ट करके कॉपी कीजिए और पेस्ट एज ए वैल्यू कर दीजिए, तो इस सीट में जितने भी फॉर्मूला है वो उसके डेटा से रिप्लेस हो जाएगा। अब ये रिपोर्ट सिंपल एक रिपोर्ट बन गई, आप इसको अब भेज सकते हैं, फाइल को सेव कीजिए और अटैच करके जहां भेजना है वहां भेज दीजिए। समझ गए अंदर जी, तो डाउट इसमें, नहीं, डाउट तो नहीं है। तो इसको अब इसी तरह का यूज कर सकते हैं ना। जैसे कि प्रॉब्लम ये है कि मैं सिर्फ आपके काम से रिलेटेड एग्जांपल तो नहीं दे सकता ना, तो नहीं, इसको मेरा पहले थोड़े से आप इतने अपने सारे ऑफिस जैसे में।
क्या बोल रहे? नहीं, एक्सेल के अंदर में इतने सारे जैसे फीचर्स हैं, पहले उनको नहीं कर लें हम लोग? तो वही फीचर ही तो कर रहे हैं हम वन बाय वन। हमने क्या सिखाया आपको? पेस्ट स्पेशली तो सिखा रहे हैं ना आपको हम यहाँ पे। हम अच्छा क्या सिखा रहे हैं आपको? पेस्ट स्पेशल सबसे पहला कमांड पेस्ट स्पेशल सिखा रहे हैं आपको। लेकिन है कि एक्सेल में हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड होता है ना। ठीक है चलिए। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर ये आज का क्लास जो है कि स्टार्टिंग से ही है ना, कल आपने कुछ हाँ इसके बारे में बैकग्राउंड के बारे में बताया था और आज आप मेनू वाइज बताने वाले थे। हाँ तो कल हमने बताया था कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि कहीं भी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ सकती है ना। और कल हमने आपको फाइल मेनू बार में बताया था, आज होम में हमारा। ओके सर, थैंक यू। जब पूरा होम के सारे फीचर्स जब खत्म हो जाएंगे तो हम इंसर्ट के फीचर स्टार्ट करेंगे। इंसर्ट के फीचर खत्म हो जाएंगे तो पेज लेआउट, फिर यहाँ पे फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू ऐसे चलेंगे। ओके सर, ठीक है। तो अभी हम पेस्ट, अभी क्लिप बोर्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्लिप बोर्ड। तो क्लिप बोर्ड में पेस्ट है, पेस्ट स्पेशल है, कट है, कॉपी है एंड फॉर्मेट प्रिंटर है। ये चार पांच ऑप्शंस हैं, तो इसको पढ़ लीजिए। तो कॉपी पेस्ट तो नॉर्मल है, उसको करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आता है पेस्ट एज ए फॉर्मूला और पेस्ट एज ए वैल्यू। होता है पेस्ट स्पेशल, मतलब कि सिंपल सी बात समझिए ना कि आपने जहाँ से डेटा कॉपी किया है मुझे इसमें से पूरा नहीं चाहिए, इसका कोई पार्ट चाहिए। जैसे मुझे इसकी फॉर्मूला चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, या फिर चाहिए इसकी फॉर्मेटिंग, मतलब कि जो कलर है, बॉर्डर है, इसको फॉर्मेट कहते हैं, फॉर्मेटिंग। तो आपका वो फॉर्मेटिंग पेस्ट होगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट पेस्ट नहीं होगा। या चाहिए पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे आता है कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब कि मान लीजिए अमाउंट क्या है इसके बारे में डिटेल में बताना चाहते हैं, लेकिन इसमें यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू कमेंट पे चले जाएंगे, और यहाँ जो इंफॉर्मेशन लिखना है लिख देंगे दिस इज फाइनल अमाउंट GST। ठीक है, और मैं इस पर क्लिक कर दिया। अब क्या होगा कि अब ये इंफॉर्मेशन कब दिखेगी? जब इस पे मेरा माउस का पॉइंटर जाएगा कि ये सुजीत कुमार ने इंफॉर्मेशन डाला है, दिस इज द फाइनल अमाउंट विद CST, किस डेट को, किस तारीख को। समझ गया? अब मुझे मान लीजिए कि मुझे कहीं पे इसका जस्ट कमेंट पेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया MRP, तो मुझे इसका कमेंट पेस्ट करना है, मैं दोबारा से मैं नहीं लिखना चाहता हूँ। तो ना मुझे इसका फॉर्मेट चाहिए, ना इसकी वैल्यू चाहिए, ना इसकी फॉर्मूला चाहिए, मुझे एक कमेंट चाहिए। तो इसको कॉपी करेंगे, इसके ऊपर आएंगे पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे हम कमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए जस्ट कमेंट पेस्ट हुआ। उसी तरीके से मान लीजिए कि मुझे पूरा डेटा चाहिए लेकिन मुझे इसकी बॉर्डर नहीं चाहिए, तो पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर सेलेक्ट कर लीजिए एंड ओके कर दीजिए, सब कुछ आएगा, बॉर्डर नहीं आएगा। दूसरी चीज, जब भी हम कोई डेटा या कोई रिपोर्ट या कोई समरी बनाते हैं एक्सेल पे, तो उसकी कॉलम की साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ बॉर्डर पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो डबल क्लिक करते ही अमाउंट छोटा हो गया एज पर रिक्वायरमेंट, ताकि हम एक पेज में व्यू कर सके। अभी अभी जो आपने रिपोर्ट देखा था उसमें भी ऐसे था कि कॉलम को साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट किया गया था, ताकि रिपोर्ट एक पेज पे, जैसे यहाँ पे देखिए छोटा कर दिया गया इसको, एक पेज पे प्रिंट हो या फिर एक पेज पे व्यू हो। तो ये मान इसको प्रिंट भी किया जाए तो एक पेज पे ही प्रिंट हो, इसलिए हम कॉलम को एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए अगर उस रिपोर्ट या उस डेटा को आप कॉपी करते हैं और कहीं पेस्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि कॉलम का डेटा, कॉलम का जो बिड्थ है वो बिड्थ पेस्ट नहीं होगा, मतलब फिर से मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा अपने अपने पेज की व्यू के हिसाब से, एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं इसकी कॉलम बिड्थ भी पेस्ट करूं। तो इसके दो तरीके हैं, पहले आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, फिर इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल में जाइए और यहां दिखेगा कॉलम बिड्थ, कॉलम बिड्थ। अब कुछ लोग कंफ्यूज मत होइए कि मैं पेस्ट स्पेशल में कैसे जा रहा हूं। पेस्ट स्पेशल जाने के लिए ये जो आयरन निशान, इस पर क्लिक करके यहां भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर जहां आपको पेस्ट करना है वहां पे राइट क्लिक भी कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल। राइट क्लिक करने के बाद यहां आपको दिखेगा
कॉलम विड्थ। अगर ध्यान रखिएगा कि सिर्फ कॉलम विड्थ आप करते हैं तो कॉलम की जस्ट विड्थ पेस्ट होती है, डेटा नहीं। डेटा को पेस्ट करने के लिए वापस आप नॉर्मल पेस्ट करें, या फिर आपके पास अपडेटेड एक्सेल है, मतलब कि 2013, 16, 19 ऐसे है, तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट स्पेशल पे जो यहाँ पे इस पे कर्सर ले जाएंगे, क्लिक नहीं करना, जस्ट कर्सर पे यहाँ पे ले जाइएगा तो यहाँ पे आइकन्स दिखेंगे। इस आइकन में ये जो आइकन आपको दिख रहा है इस पे कर्सर जाते नीचे नरेशन दिख जाएगा कि कीप सोर्स कॉलम विड्थ, कीप सोर्स कॉलम विड्थ। इसमें क्या होगा कि डेटा भी आएगी और विड्थ भी आएगा, लेकिन ये आपका 2013, 16, 19 वैसे और एक्सेल में है, 2007 और उसके आसपास के जो वर्जन है उसमें नहीं है। तो ये हमारा अच्छा सुजी जी, हाँ बोलिए। जैसे ये आपने ये डेटा बनाया हुआ है, नेम, रोल और अमाउंट, ये सब आपने रैंडम डाल दिया ना, अमाउंट और ये सब, तो अब इसमें भी कोई फॉर्मूला तो नहीं होता होगा इसमें? तो नहीं, रैंडम ही कोई फॉर्मूला, फॉर्मूला तो अपने हिसाब से लगता है। जैसे मान लीजिए अमाउंट है, मुझे जीएसटी कैलकुलेट करना है तो वहां ना फॉर्मूला लगाएंगे सर। अच्छा, जीएसटी कैलकुलेट करना है तो मैं इसका 18% जीएसटी निकाल दूंगा तो ये जीएसटी निकल गई, तो ये फॉर्मूला लग गया। फॉर्मूला मतलब जिसपे इक्वल से स्टार्ट हो, क्योंकि तो दूसरे सेल पे डिपेंडेंट है। तो फॉर्मूला कई तरह के, आप फॉर्मूला बनाने जाएंगे तो ये सारे फॉर्मूले हैं, तो एज पर रिक्वायरमेंट इसका यूज करना है, समझ गए? तो फॉर्मूले एज पर रिक्वायरमेंट आपको यूज करना है। जैसे मुझे यहाँ जीएसटी निकालने के, अच्छा इसमें और ऐसे डिफरेंट इसके अंदर में टेम्पलेट देखने हो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज लगे हो तो इसके अंदर में एक्सेल में मिल जाते हैं ऐसे टेम्पलेट? हाँ, एक्सेल में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ फाइल में जाइए, न्यू पेज और यहाँ पे टेम्पलेट। ये आपको मैंने फर्स्ट क्लास में समझाया था बट आपने सर ध्यान नहीं दिया होगा, टेम्पलेट जो जिसकी वीडियो मैंने आपको भेजी थी, नहीं जिसमें जैसे कोई फॉर्मूलाज लगे हो ऐसे अलग अलग। यहाँ पे है ना सर, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इनवाइस ट्रेकर निकाल लिया, राइट? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें फॉर्मूला लगा होगा, यहाँ पे इनवाइस हो गया, इनवाइस है, यहाँ दिख रहा है आपको सर फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला के लिए चिंता मत कीजिए, हम आपको सब पढ़ाएंगे सर। अब अच्छा, आप सीख रहे हैं, देखिए जाओ जो चीज सीख रहे हैं ना सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, ये मत ध्यान दीजिए कि यार ये मेरी यूज का नहीं है या फिर ये मेरे मैं इसको कर पाऊंगा या क्या है, नहीं। अब ध्यान दीजिए कि वो पर्टिकुलर ऑप्शन कैसे इस्तेमाल हो रहा है। अभी हम बता रहे हैं किसी डेटा को कॉपी पेस्ट करना, क्या बता रहे हैं? कॉपी पेस्ट करने के लिए। और डेटा स्पेशल में एक जो पेस्ट स्पेशल में जो एक फीचर होता है वो ऑल लिखा था, ऑल, तो वो सिंपल कॉपी एंड पेस्ट सब कुछ पेस्ट करेगा। आपने समझा कि पेस्ट स्पेशल करते क्यों हैं? नहीं ये नहीं मालूम, वही जैसे आप बताया कि अलग अलग। मैं आधा घंटा पिछले क्लासेस दे दी और आप बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता क्या होता है। नहीं नहीं मालूम है, मेरा मतलब ये है कि स्पेशल अगर कोई फीचर आपने पेश करना है या फॉर्मूला पेश करना है या खाली फॉर्मेट पेश करना है, सिंपल सी बात समझ रही है कि हमें पूरा का पूरा नहीं चाहिए। जैसे कि आप गए रिक्वायरमेंट, हाँ देखिए आप मान लीजिए केक केक गए केक लेने के लिए, तो आपका कस्टमर आपका दुकानदार बोला कि नहीं नहीं आपको पूरा पूरा केक ले जाना पड़ेगा, ये हो गया कॉपी एंड पेस्ट। लेकिन आप बोला कि नहीं मुझे इसमें से एक पीस दे दो, ये हो गया पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल हो गया है कि कॉपीड डेटा जो यहाँ से कॉपीड हुई है उस डेटा के कुछ पार्ट को पेस्ट करना है। और डेटा के क्या होता है, डेटा के कई पार्ट होते हैं, जैसे कि इसकी वैल्यू होगी जो टाइप हुई है वैल्यू, इसमें फॉर्मूला जो जीएसटी कैलकुलेट किया तो फॉर्मूला हो गया, इसमें जो बॉर्डर लगा हुआ है मतलब जो लाइनिंग है ब्लैक कलर की ये बॉर्डर हो गया, इसका जो फॉर्मेटिंग है जैसे कि इसका बॉर्डर हो गया, इसका फॉन्ट हो गया, इसका कलर हो गया, ये फॉर्मेटिंग कहलाएगी। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, एक कमेंट कहलाएगा। एक डेटा में कई सारी चीज डाले गए जाते हैं, उसमें से कुछ पार्ट को पेस्ट करना, दैट कॉल पेस्ट स्पेशल। वो कॉपी किया, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हमने तीन चीज समझी, फॉर्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट्स, ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर एंड कॉलम विड्थ। मतलब हमें सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करना है तो फॉर्मूला लेंगे, हमें फॉर्मूला में वैल्यू चाहिए विदाउट फॉर्मेटिंग तो सिर्फ वैल्यू लेंगे, मुझे सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए विदाउट एनी डेटा एंड फॉर्मूला तो फॉर्मेट लेंगे, हमें कमेंट चाहिए जस्ट कमेंट,
अब कमेंट क्या होता है समझाया मैंने आपको। कमेंट, हाँ ये जो आपने छोटा एरो लगा हुआ है, हाँ, उस पर कर्सर जाते ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो हो गया। उसके बाद और यहाँ पे मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे जो लाइनिंग है वो लाइनिंग। जैसे ये कमेंट्स को पेस्ट करना है, ये कहाँ पे जरूरत पड़ता है, ऐसे खाली कमेंट को पेस्ट करना जैसे कि पड़े। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे रिपोर्ट बनाया हुआ है, अब होता है मतलब होता है क्या है कि जब आप मान लीजिए आपको डेटा को क्यूसी करने के लिए दिया गया, मतलब कि डेटा को क्रॉस चेक करने के लिए होता है, जैसे बहुत सारे भाई कंपनीज में से स्टेटमेंट ले लीजिए, राइट। तो बैंक स्टेटमेंट को आपके पास आया है, उसको आप जो है वेरीफाई कर रहे हैं, बट कहीं पे क्या हुआ कि कुछ ऐसी लगी कि इन ये जो चीज है कि मुझे बतानी चाहिए। आप लोग नोट नोट लिख देते हैं ना, आप लोग याद अच्छा, होगा प्राइजेस वगैरह होते हैं उसमें स्टार लगा होता है, हाँ और फिर स्टार के लिए यहाँ पे नीचे दिया जाता है दैट कॉल कमेंट, ठीक बात है। समझ गया ना। तो स्टार ना लगा के हम यहाँ पे कमेंट दे देते हैं, राइट, ताकि हम कर्सर ले जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक बात, कमेंट वहां पे लगता है। और उसके लेकिन आप बात यह है कि बहुत सारी चीजें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, पता होगा तभी तो यूज करेंगे ना आप। पता नहीं है हाँ जी, मतलब इसका कोई यूज ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता नहीं है, इसका यूज ही नहीं है। बट आप नॉलेज रखिए, इन फ्यूचर में लाइफ बहुत लंबी है, कहीं ना कहीं इसकी जरूरत आपको पड़ जाएगी। तो जरूरत पड़ जाएगी उस समय आप बोलेंगे हाँ मुझे पता था तो मैंने अप्लाई कर दिया, नहीं तो ठीक करना पड़ता, सोचना पड़ता इसके बारे में, सर्च करना पड़ता, ढूंढना पड़ता। ठीक बात, नॉलेज रखिए कि कौन सा फीचर किसके लिए यूज होता है और किस तरह के काम के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो ठीक है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हाँ हम बात करते हैं डेट की। ये समझ गया ना, मैं इसमें जो चीजें समझाया आपको मैंने, टेस्ट स्पेशल हमने ये समझाया, यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू फॉर्मेट कमेंट और यहाँ पे बॉर्डर कॉलम विड्थ। किसी को डाउट है इसमें? नहीं कोई डाउट तो नहीं है उसे। नहीं, बाकी से पूछ रहा हूँ, आप क्लास का, आपके अलावा भी कोई क्लास में लोग हैं? सर इधर क्लियर ओके ओके। अब इसमें बात आती है डेट की, यहाँ पे डेट की, सॉरी फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट की। तो जैसे कि आपके डेटा में डेट टाइम करेंसी इस तरह चीजें भी होगी, जैसे मान लीजिए मैं डेट लेता हूँ, यहाँ पे आज का डेट लेता हूँ। तो अब मान लीजिए हम डेट को पेश करते हैं, ऐसी बात है पेश जो फॉर्मूला या पेश जो वैल्यू करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि डेट फिर डेट नहीं रहता, एक नंबर बन जाता है। तो फिर वापस इसको डेट में लाने के लिए हमें यहां से जाके डेट का फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ता है, या फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाते हैं और फिर यहां से डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, ताकि वो डेट दिखे जैसा मैं दिखाना चाहता हूं, समझे। अब यहां पे दो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन कि नंबर है क्या, क्या है नंबर 43995 की क्या है और क्यों आया, दो चीजें इसमें समझ नहीं है। तो 43995 के बारे में जाने क्या है कि हम जब भी कोई डेट लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं 1/1/2020 को लिखा, तो हमने तो लिखा इस फॉर्मेट में, एंटर मारते ही एक्सेल ने क्या किया, इसको स्टोर किया नंबर ऑफ डेज में। अब यहां पे आपको डेट ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको जनरल फॉर्मेट कीजिए, मतलब कि किसी भी तरह के फॉर्मेटिंग को हटा के जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए, तो एक नंबर बन जाएगा। मतलब कि सिस्टम के अंदर कंप्यूटर अपने मेमोरी में 43831 सेव किया है, बट जब हम इस पर डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो 1/1/2020 दिखता है। क्यों? क्योंकि ये जो है नंबर ऑफ डेज है, कंप्यूटर के अंदर आपका स्टार्ट है 1 जैन 1900 से, आपकी कंप्यूटर की कैलेंडर 1 जैन 1900 से है। मतलब कि इससे पहले जो अगर का डेट लिखेंगे, से मान लीजिए कि 10th हमने लिखा 10th जुलाई 1987, सॉरी 90 था ये 1895, तो अब सिस्टम इसको डेट नहीं मान रहा है, इसको ABCD टेक्स्ट मान रहा है। डेट ना मानने के पीछे प्रॉब्लम क्या है कि हम मैं इस पे अगर मान लो 20 दिन बाद का डेट चाहिए, तो मैं 20 दिन ऐड करके डेट नहीं ले सकता, बट इसमें मैं 20 दिन ऐड करके 20 दिन बाद का डेट मुझे पता चल जाएगा,
क्यों? क्योंकि ये नंबर कैलकुलेट हुआ है, ये नंबर कैलकुलेट हुआ है, तो ये आपका है नंबर, कैलकुलेट होके नंबर में रिजल्ट दे रहा है, बट जब इसमें डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं वो क्या करता है, 31 के बाद महीना, 365 के बाद साल चेंज करके इसको डेट के सेट में दे देता है, जिसका डेट हम लोगों का होता है। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट है आपका 1990 से, मतलब कि आपने वन लिख दिया, इसका मतलब है कि एक दिन मतलब कंप्यूटर कैलेंडर का पहला डेट जो कि 1st 100 1900 है। अगर मैंने इस वन के ऊपर डेट का फॉर्मेट अप्लाई किया तो आपका 1st जैन 1900 लिखेगा। अगर मैं इस पे 33 अप्लाई 33 लिख दिया तो देखिए महीना चेंज हो गया, 2nd फैब 1900, तो इसने 31 के बाद महीने को चेंज कर दिया। अगर मैंने इस पे 367 डाल दिया तो यहां पे देखिए 1st जैन 1901, 366 के बाद लीप ईयर था इसलिए इसने क्या किया, ईयर को चेंज कर दिया। ऐसे 43,945 में आज का डेट दे दिया, 43,945 दिन, तो ये डेज में स्टोरेज रखता है। तो टाइप करें, तो टाइप करते ही क्या होता है कि वो सिस्टम अपने अंदर एक प्रोसीजर चला देता है और डेट को डेज में कन्वर्ट करके सिस्टम में स्टोर कर देता है। लेकिन यूजर समझ सके इजिली इसके लिए इसने क्या किया, इसके ऊपर डेट का फॉर्मेट अप्लाई कर देता है। पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन कि प्रोग्रामर इतना झमेला किया था कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि किसी भी डेट के साथ, किसी भी नंबर के साथ अगर आपने ABCD ऐड कर दिया तो इसके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या किसी तरह का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सेल का नियम है कि आप टेक्स्ट के ऊपर या नंबर और टेक्स्ट एक साथ एक सेल में आपने लिख रखा है तो किसी भी कंडीशन में उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो हम डेट जब लिखते हैं जैसे 1 जैन 2020 लिख दिया, इसमें तो टेक्स्ट लगा है तो इस पे हम कैसे कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो बेसिकली एक दिखावे के लिए है 1 जैन 1900, लेकिन एक्चुअल जो स्टोरेज है वो ए है, और फॉर्मूला हमेशा एक्चुअल स्टोरेज पे लगता है न कि दिखावे पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर यहां पे नंबर क्यों आ जाता है पेस्ट एज वैल्यू करने पे, तो जब हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करके पेस्ट एज वैल्यू करते हैं तो वैल्यू को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट, और डेट भी एक तरह का फॉर्मेट है इसलिए यहां पे नंबर इसका ओरिजिनल डेटा आ जाता है। तो उसको आप क्या कीजिए, इस पे डेट का फॉर्मेट अप्लाई कर दीजिए, यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में गए और यहां डेट में जाके यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं आप, यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट हैश की दबा दीजिए भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मुझे यार बार बार अप्लाई करने में दिक्कत होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके डेटा में डेट टाइम या करेंसी का फॉर्मेट है तो आप पेस्ट स्पेशल करते समय वैल्यू या फॉर्मूला को सिलेक्ट ही ना करो, आप यहां सिलेक्ट करो वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट या फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट को, एंड जैसे आप ओके करेंगे यहां आपका बाकी कोई फॉर्मेटिंग कोई फॉर्मूला और कुछ नहीं आएगा, बट इसका नंबर का फॉर्मेट आएगा। तो नंबर फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट से राइट क्लिक की जो फॉर्मेट से करते हैं यहां पे जो नंबर्स हैं ये जो फॉर्मेटिंग है जनरल करेंसी अकाउंटिंग डेट टाइम इसको नंबर फॉर्मेट कहा जाता है, ये नंबर फॉर्मेटिंग आएगा इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्लियर है, क्लियर है किसी को डाउट? तो आगे चल के कभी कॉपी करते समय, कॉपी करके पेस्ट करते समय अगर आपका फॉर्मेट आ गए तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि ये डेट है, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर लें। ठीक है, दूसरा कि अगर डेट टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा है तो उस पर किसी तरह का कैलकुलेशन नहीं होगा। टेक्स्ट फॉर्मेट में डेट लिखा है इसके दो है, एक हो सकता है कि वो 1900 से पहले का डेट होगा या फिर लिखते समय किसी ने सिंगल कोट लगा दिया होगा इस तरह से, तो ये भी आपका टेक्स्ट हो जाता है। कैसे पता चलेगा,
आप सिंपल इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर, कोई डेट का फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देख लीजिए, चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि डेट नहीं टेक्स्ट है, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट होगा हम आगे क्लासेस में समझाएंगे आपको। अब बात करते हैं आज का रिसर्च, आज का रिसर्च के बारे में हम बात करते हैं। देखिए पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, 20 एंड 30 है। अब मैं 20 को कॉपी किया और 30 के ऊपर पेस्ट स्पेशल में नीचे आपके सामने एक होता है ऐड। ऑपरेशन में बाय डिफॉल्ट नल सेलेक्ट होता है, बट आप इसमें ऐड सेलेक्ट कर सकते हो। ऐड का मतलब क्या हुआ, जहां से कॉपी हो रहा है और जहां पे पेस्ट हो रहा है उनके बीच में एडिशन होगा और रिजल्ट 50 जो हुआ यहां पेस्ट हो गया। मैं दोबारा समझाता हूं, यहां पे 30 है, यहां पे 15 है। हमने 15 को कॉपी किया, 30 के ऊपर गए, पेस्ट स्पेशल किया और यहां पे हमने डिवाइड सेलेक्ट कर लिया। तो 30 को 15 से डिवाइड होगा, फिर जो रिजल्ट यहां पे पेस्ट होगा। ऑपरेशन तो समझ में आ गया आपको रविंदर जी? रविंदर जी सर एक बार और सिंपल सी बात समझिए ना, कि जैसे कि मान लीजिए समझ में आ गया सर, यहाँ पे 5 डाला है। अब मैंने 5 को कॉपी किया और 100 पे गया, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई सेलेक्ट कर लिया। तो क्या होगा कि अब यहाँ पे जनरली तो जैसे वैल्यू लेते हैं तो 100 को रिप्लेस करके 5 लिख देगा, लेकिन जब यहाँ मल्टीप्लाई सेलेक्ट होगा नन सेलेक्ट नहीं होगा। अगर नन सेलेक्ट है तो 100 को रिप्लेस करके यहाँ पे 5 पेस्ट कर देगा, 100 हट जाएगा और 5 दिख जाएगा आपको। लेकिन जैसे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट या कुछ किया तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट पेस्ट होगा। जैसे कि मल्टीप्लाई किया तो 100 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 500, अब 100 की जगह पे आपको 500 होगा। समझ गए? ऑपरेटर फॉर्मूला। हाँ, अब आपको क्या रिसर्च करना है, आप गूगल को ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, जो जो मर्जी लेना है ले लीजिए, आप रिसर्च कीजिए इसका हम अपने ऑफिस में क्या यूज करेंगे, मतलब इसका बेनिफिट क्या है, और उसकी एक नोट बना के आप लोग मुझे व्हाट्सएप या मेल कीजिए। अगली क्लास में हम आपको समझाएंगे कि मेरे हिसाब से क्या यूज हो सकता है। जो ये आपने पे स्पेशल के अंदर में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का बताया, हाँ, जो ऑपरेशन मैंने बताया जिसमें मल्टीप्लिकेशन, तो उसका कैसे यूट्यूब में क्या उसमें सर्च कैसे करेंगे, क्या चीज देखेंगे? रिसर्च आपको करना है, इसको मैंने बताया आपको रिसर्च, मतलब कि आप सोचिए कि पे स्पेशल में आप यहाँ पे ढूंढिए। अब ढूंढने का तरीका अलग अलग है, अब मैं ढूंढने का तरीका तो नहीं समझा सकता। ये ऑपरेशन है, ये आपका ऑप्शन हो गया है पे स्पेशल, ऑप्शन में ऑपरेशन है, ऑपरेशन में कैलकुलेशन है। अब इससे रिसर्च कीजिए आपने कि यूट्यूब पे गूगल पे, या फिर खुद से ट्राई कीजिए, खुद सोचिए कि क्या हो सकता है, अपने ऑफिशियल लाइफ के काम को देखिए, उस काम में कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, तो रिसर्च इसको डिस्कस करते हैं। हर फ्राइडे को आपको कुछ ना कुछ चीज़ों पर रिसर्च मिलेगा। ठीक है, ठीक है, हमारी होगी सर। हेलो हेलो,